आज हम उनको सुनेंगे जिनके ब्लेसिंग लेंगे, जो आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, जिनकी छत्र छाया माय डियर फ्रेंड हम रहते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जिन्होंने डियोसॉफ्ट की शुरुआत उस समय करी थी जिस समय डियोसॉफ्ट कोई जानता नहीं था, उस समय इंटरनेट के बारे में कोई नहीं जानता था, ई लर्निंग के बारे में कोई नहीं जानता था, उस समय शायद बोला जाता था कि शायद चलेगी, लेकिन माय डियर फ्रेंड आज डियोसॉफ्ट चल नहीं रही है, आज डियोसॉफ्ट उड़ रही है। आज ऐसी पर्सनलिटी से हम रूबरू होंगे। हर किसी का सपना होता है अपने जीवन में डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, आईएएस बनने का, और माय डियर फ्रेंड उन्होंने वो सपना पूरा किया, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा किया, अपने जीवन में एक बेस्ट इंजीनियर बनकर सामने आए, और इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने भी जॉब से शुरुआत करी, लेकिन जब डियोसॉफ्ट उनके लाइफ में आई तो उन्होंने तहलका मचाया अपनी लाइफ में, और डियोसॉफ्ट से वो सारी चीजें बहुत कम समय में अचीव करी जो शायद मेरे ख्याल से जॉब में वो अपनी फुल लाइफ में नहीं कर सकते थे। और आज बहुत सारे दिलों की धड़कन बन चुके हैं, बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं, आज दिलों के मेंटर हैं माय डियर फ्रेंड। मेरे जैसे लोग उनको गॉडफादर भी बोले जाते हैं, क्योंकि माय डियर उनकी गाइडेंस में रहकर मैं भी फल फूल रहा हूँ, उनके गाइडेंस में रहकर माय डियर फ्रेंड मैंने भी अपने बहुत सारे सपने पूरे करे हैं, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी उनसे। जब मैं जॉब में था कुछ भी नहीं जानता था, नेटवर्किंग बारे में कुछ भी नहीं जानता था, डी का मैंने कुछ नहीं जानता, लेकिन उनकी गाइडेंस में जब आया, उन्होंने मेरे हाथ सिर पर हाथ रखा और मुझे कंधे से कंधा मेरे साथ हाथ मिलाया और मुझे बोला कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और माय डियर फ्रेंड उनकी गाइडेंस में नंबर क्या, आज उन्हीं की गाइडेंस, उन्हीं के आशीर्वाद हम सबको यहाँ मिलने जा रहा है। आज वो ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जिनको सुनने के लिए माय डियर फ्रेंड आप देख सकते हैं कि जब सेमिनार में जाते हैं तो बहुत सारे लोग तो माय डियर फ्रेंड उनको दूर से ही देख पाते हैं, पास से आना तो बहुत दूर की बात है। जब वो स्टेज पर उनकी स्पीच होती है तो ऐसा लगता है कि माय डियर फ्रेंड कोई शेर दहाड़ रहा हो, जब वो बोलते हैं माय डियर फ्रेंड बुझी भी समा भी होती है, तो एकदम से तुरंत जल पड़ती है और कुछ करने की इच्छा उनके अंदर जाग पड़ती है। जो ड्रीमर नहीं होता उसके भी ड्रीम जाग जाते हैं, और कुछ करने की चाह में माय डियर फ्रेंड वो अपनी सीट छोड़कर फील्ड में दौड़ जाता है, और मेरे जैसा वो एक अचीवर बन के बाहर निकलता है, जैसे कि मैं उत्तराखंड का फर्स्ट वर्ल्ड होल्डर बन के बाहर निकला। उनकी गाइडेंस इतनी जबरदस्त है माय डियर फ्रेंड कि एक बार आपने उनकी गाइडेंस सुन ली तो ये डायरेक्ट डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट अचीवर डिशॉर्ट में, जैसे आज तहलका मच रहा है, नेक्स्ट अचीवर आप बनेंगे और आपके द्वारा डिशॉर्ट में तहलका मचेगा। इनको कॉल करने जा रहा हूं, इज अ माय मेंटर, इज अ माय रिस्पेक्टेड सुपर डुपर, जो कि डिशॉर्ट में जब आए थे तो तहलका मचाया था, फर्स्ट कैप अचीवर, डिशॉर्ट के फर्स्ट कैप अचीवर है, जिन्होंने हिस्ट्री रची थी, और बाय डिफरेंट आज इंटरनेशनल लेवल पे मोटिवेटर है, इंटरनेशनल लेवल के मोटिवेटर है, लोगों के दिलों की धड़कन है। तो माय डिफरेंट को कॉल करना चाहो, इज माय गुरु Respected engineer Sushil Atri sir, please happy welcome sir. Thank you Mr. Rajesh ji. Wah ji wah. Aap sabka bahut bahut shukriya. Thanks a lot all of you for your love, respect and affection. Aap sabke saath apne samay ko invest karte hue main bahut khush hu. Mujhe lag raha hai ki main कुछ जिंदा लोगों के साथ बैठा हुआ हूं, और जो वो लोग हैं जो जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बड़ी कठिनाइयां इन्होंने देखी हैं, बहुत परेशानियां झेली हैं, लेकिन मेरे दोस्त एक बात पक्की है, जिस जिस शख्स ने भी मुश्किलों को झेला है उन्हीं के लिए तो एक भरा पड़ा ये मेला है। तो ग्रेट सुपर सर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुशील अत्री। इस ग्रेट प्रोफेशन में आने से पहले मैं खुद एक इंजीनियर था, पहले प्राइवेट जॉब की थी, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की थी। जिंदगी के बड़े बड़े तगड़े सपने थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं कॉलेज में जा रहा था, तो सोचा जब इंजीनियरिंग की सीट मिल गई है तो बस सारे सपने पूरे हो जाएंगे, सारे सपने। अब 4 साल के बाद मैं इंजीनियर बन जाऊंगा और मुझे पंजाब का पूरा पंजाब का एक चीफ इंजीनियर लगा दिया जाएगा। लेकिन जो जैसे जैसे मैं 1 साल आगे गया, ये सारे सपने मेरे अकेले के नहीं है, सबके ही हैं। जो स्कूल गोइंग है, जो कॉलेज गोइंग है, जो जा चुके हैं, याद करो उन दिनों में जो थोड़े से 30 को क्रॉस कर गए हैं, 45 को क्रॉस कर गए हैं, याद करो उन दिनों को जब आप स्कूल कॉलेज जा रहे थे तो कुछ सोचते थे। मेरे भी वही सपने थे जो आपके थे, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, बैंक बैलेंस हो, मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं, हर चीज को पा जाऊं। लेकिन ये सब कुछ होगा जब मैं जॉब पे चला जाऊं। सोचती आप भी सोचते थे जब मैं जॉब करूंगी करूंगा तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, जब मैं इंजीनियरिंग कर ली तो पता चला यार
जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, सोचा ही नहीं। आप हैरान होंगे, जब मैं इंजीनियरिंग करके बाहर निकला तो इस बाइक की जो वैल्यू लगाएगी, जब पहली मैंने जॉब स्टार्ट की तो उसने जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके उसके पास में मुझे जॉब मिली, वो भी सिफारिश से, कहते वैसे तो हमें आपकी जरूरत है नहीं, वैसे तो हमें आपकी जरूरत है ही नहीं, लेकिन आपकी सिफारिश आई है इसलिए तुझे 700 रुपये दूंगा महीने के, दिन के नहीं महीने के। उस दिन मैं सोचा यार क्या, मैं एक इंजीनियर था, मैं इतने बड़े बड़े सपने सोचकर बैठा था, जैसे इंजीनियर बन जाऊंगा मेरी गोल्डन कलर की होंडा सिटी भी आ जाएगी, पड़ा पड़ा बंगला भी आ जाएगा, नौकर चाकर बैंक बैलेंस होगा, लेकिन जैसे ही वो 700 रुपये की बात चली तो सारे सपने चकना चूर हो गए। बड़ा बुरा, मजबूरी थी, कुछ ना कुछ तो करना ही था। फिर मैं इसको शुरुआत कर ली उस जॉब को, मुझे किसी ने समझाया था कि सुशील अब इंजीनियरिंग करने के बाद तो जब जॉब करने जाएगा तो पैसे मत देखना, उस काम को सीखने के लिए जाना, पैसे मत देखो, कोई मिले मिले ना मिले ना मिले, लेकिन आप कर लेना क्योंकि जब सीखेगा तब आगे बढ़ेगा। तो वही दोस्तों मैं आपको सबको यही मैसेज देने जा रहा हूं कि आप इस सिस्टम को सीखने के लिए आइए, पैसे कमाने के लिए मत आइए। आप जब एक बार इस सिस्टम को सीख लिया आपने तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। तो ये मुझे समझाया, फिर मैंने इसको जॉब को किया, अच्छा लगा। उसके बाद मैं मेहनती बहुत था, पढ़ता भी था, इंटेलिजेंट भी थोड़ा बहुत था, टेस्ट देता गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मैंने बड़े पापड़ बेले हैं, पहले टीचिंग भी की है, इंजीनियरिंग भी की है, बड़ा कुछ किया, बहुत कुछ किया, लाइफ को सेटल करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और मैंने बेले अच्छी तरीके से बेले। और जब मैं जॉब कर रहा था, कुछ सालों के बाद एक बहुत ही अजीब सी चीज मेरी लाइफ में आई, और उस अजीब सी चीज का नाम है ग्रेट ड्यू सॉफ्ट, और इसने मेरा पूरा का पूरा जो सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, आगे बढ़ने के लिए जो मौका मिला, सारा कुछ चेंज कर दिया। और मैंने इसको स्टार्ट किया, मुझे ये पूछा गया जिंदगी में आप चाहते क्या हो, फिर मैंने कहा कि मैं जिंदगी में वो चाहता हूँ, गाड़ी बंगला ऐशो आराम सब कुछ चाहता हूँ। लेकिन मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया गया, मैं आप सबसे जो खास और हमारे नए गेस्ट हैं आज की इस मीटिंग में उनसे पूछता हूँ, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी करते जा रहे हैं, उसको आज की डेट में क्या आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे? जवाब आया ना, मेरे सपने नहीं पूरे, मेरी हॉन्डा सिटी कैसे आएगी, 700 रुपये में टायर नहीं आता। जो आप आज कर रहे हैं उसको लगातार करते जाइए, और आने वाले 5 साल के बाद क्या आपके सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे? एक दो की बात नहीं कर रहा मैं, सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरा जवाब था ना, आपका भी ना आएंगे। तो फिर 10 साल के बाद पूरे हो जाएंगे, 15 साल के बाद सारे सपने पूरे हो जाएंगे? मैं नहीं नहीं बोलेंगे, तो जितने हमारे सपने हैं सारी जिंदगी भी लगे रहे तो ये पूरे होने वाले हैं नहीं। तो फिर जो मुझसे कहा गया, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आज हमारे पास एक ऐसा मौका है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 2 से 3 साल लर्निंग एटीट्यूड के साथ, डेडिकेशन के साथ मेरे दोस्त अगर आप कर डालो तो आप जिंदगी में जो चाहते हो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत जब स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किलें आई, ऐसा नहीं भी चुटकी बजाओ और जादू की छड़ी घुमाओ और करोड़पति बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने आपको बोला तो गलत है, ध्यान रखना, ये आसान नहीं। और वैसे भी कहा गया है जो काम सही है वो आसान नहीं होगा, और जो काम आसान है उसको ध्यान रख के चेक करना वो सही नहीं होगा। और ये प्रूव हो चुका है कि ड्यू सॉफ्टवेयर के साथ जबरदस्त काम है, सही है और जिंदगी में आगे बढ़ने वाला काम है। तो सही है तो मुश्किल तो होगा ही होगा। तो मेरे दोस्त बहुत सारी मुश्किलें आई, सबसे पहले मुश्किलें मेरे परिवार से आई, जब मैंने प्लान देखा तो मेरे सपने फिर से जग गए जो बुझे हुए थे। नौकरी कर ली 5-6-7 साल तो ऐसे लोगों में रहा जिनके कोई सपना ही नहीं था, बड़ा बुरा हाल, छोड़ो छोड़ो, तो मैं भी छोड़ चुका था। तो मेरे सपने फिर से जगे जब ये प्लान आया, तो फट जल्दी से मुझे लगा कि यार इसमें सब कुछ हो सकता है। तो जैसे प्लान सुना अचार्टमेंट में, फिर जब शाम को जल्दी जल्दी घर आया तो अपने मम्मी पापा से बोला कि मुझे मैंने ये करना है। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि पैसे दो, तो मैंने बस ये मेरे बड़े हैं कुंवारा ही था तब तक मैं, तो कहा मैं करना चाहता हूं तो आप मुझे परमिशन दीजिए। खबरदार जो किया मेरे पापा मेरे मम्मी बोले खबरदार तूने किया,
ऐसे काम में कुछ नहीं रखा, मुझे प्लान पसंद आया, तो कहते 34 लाख आएगा साल में। तो मेरे घर वाले कहते, मेरे क्लास वन अफसर, मेरे मम्मी पापा अभी रिटायर हो गए थे, तो वो मुझे बता रहे भी बच्चे 34 साल तेरे पापा ने जॉब की है एज ए क्लास वन अफसर, 37 साल तेरे मम्मा ने जॉब की है एज ए क्लास वन अफसर, हमने कभी 10 लाख रुपए इकट्ठा कभी देखा ही नहीं है इकट्ठा, और आप कहते हो कि एक साल में 34 लाख आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि तो एक्चुअली निर्दोष प्लान तो मैंने देखा था, मेरी मम्मी पापा ने थोड़ा देखा था। तो अगर ये आप बोल रहे हो, अगर आता है तो पक्की बात है कि 2 नंबर का काम होगा, क्योंकि इतना पैसा आ ही नहीं सकता। उनके जो प्लान, जो अपॉर्चुनिटी यहां से मिलती है, ये आम इंसान समझ नहीं पाएगा, लेकिन है ये आम इंसान के लिए खास बनाने के लिए, तो वो समझ नहीं पाए। उन्होंने मुझे बहुत दिक्कारा, नहीं ऐसा नहीं कर, पैसे थोड़े मुझे मांगने थे उनसे, कर लिया। करते करते जब फिर मैंने चोरी चोरी काम शुरू किया, तो फिर जैसे रिजल्ट आते गए, पैसा आता गया। जब एक बड़ा सा चेक मेरे घर में आया, मुझे पता था आज आना है, पोस्टमैन के पहले बोला भी ये चेक मेरी मम्मा के हाथ में देना है। जब देखा कि शाम, मुझे तो पता था कि चेक आना ही आना है, बड़ा था, 31,000 का चेक था, मुझे आज भी याद है। तो जैसे ही आया शाम को मैं घर आया, तो कह ये तरह का चेक आया हुआ कोई पता, ये कैसा काम है, किस कैसे आया तेरे को ये बार? मैंने वही काम जो आपने मना किया था, जिसके बारे में आपने मना किया था, लेकिन सॉरी मैंने आपसे चोरी चोरी कर लिया था, लेकिन चीज अच्छी थी। अच्छा, इसमें पैसे आते हैं? वो पूछे पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं, कुछ पैसे भी आते थे ना? आते हैं आपके पास। अच्छा, तो फिर हमें भी कराओ। फिर मम्मा की एंट्री, पापा की एंट्री, भैया की एंट्री, इसकी घर घर के सारे स्टार्ट हो गए। जब आप कुछ करके दिखाओगे, तब नेगेटिव लोग पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज लोग आपका जुलूस देखने के लिए रेडी खड़े हैं। मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। फिर आगे बढ़ते गए, सेकंड कैप अचीवर ऑफ द ड्यूस ऑफ सुशील अत्री, फर्स्ट कार अचीवर, फर्स्ट मोटरसाइकिल अचीवर, मेरी टीम, सब मेरी टीम में आए। तो रिकॉर्ड के रिकॉर्ड ऊपर बनते गए, कहते रिकॉर्ड तो बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, तो एक से बढ़कर जितने भी रिकॉर्ड बने। अनुराग सर यहाँ पे हैं, सुन रहे हैं सर, आपकी कृपा से हमारे ग्रेट मिस्टर जी सर भी बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया, तरीके से गाइडलाइंस दी, ग्रेट मेरी अपलाइंस में गाइडलाइंस दी। तो आगे बढ़ते गए, बहुत शानदार रिजल्ट आया। तो आज बहुत अच्छे लेवल पहुंचे। उसके बाद एक खतरनाक डिसीजन होता है लाइफ का, हुआ है शादी करना। शादी मेरी हुई कैसे, जबरदस्त पर्सनैलिटी के साथ, जो एक गवर्नमेंट लेक्चर थे, बड़ा शानदार उनका अपना स्टेटस था। जैसे वो मेरी लाइफ में आए, तो मेरी जिंदगी में 4 चांद लग गए। और आज आप सबको बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरे लवली वाइफ सुनीता अत्री जी, वो भी ड्यूस ऑफ में टॉप लेवल में बैठे हुए हैं, शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफ ड्यूस ऑफ। उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। फिर ऐसे जब जब परेशान होते थे, मिलके काम किया, आगे बढ़ते गए, और आज बहुत बड़ी लाखों लोगों की टीम है। आज मेरी टीम जो है वो 65 लाख लोगों की हो चुकी है। ग्रेट, 65 लाख लोगों की ये सारी टीम अपनी। पहले मुझे 4 लोग नहीं जानते थे, घर से जॉब, जॉब से घर, घर से जॉब से घर। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज 65 लाख लोगों की हमारी फैमिली है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज हमारा जो काम है, एक छोटे से शहर गुरदासपुर से उठकर आज कम से कम भी 35-40 कंट्री में जा चुका है। आज बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। मेरे लाइफ के 2 बढ़िया डिसीजन रहे, एक मैंने ड्यूस ऑफ स्टार्ट की, और दूसरा सबसे इस बढ़िया डिसीजन रहा कि मेरी शादी सुता जी के साथ हुई। जब साथ ही अच्छा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ड्यू सॉफ्ट में आकर लाइफ चेंज हुई, और ड्यू सॉफ्ट में आकर अच्छा लाइफ पार्टनर मिला। ड्यू सॉफ्ट में आकर मेरे अच्छे प्यारे से 2 बच्चे आए, बड़ा अच्छा लगा। आज मैं बता सकता हूँ, मेरी 5वीं क्लास में मेरी बेटी पढ़ रही है, आज पहली बार स्कूल गई है 5वीं क्लास में। यू कांट बिलीव इट कि आज से 3 साल पहले की बात करता हूँ, वो तब से एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है। सिर्फ 5 साल, बड़े बड़े लोगों ने उससे ऑटोग्राफ तक लिए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट, जस्ट बिकॉज। मेरा बेटा आज जो मेरा यूट्यूब चैनल बना है, वो आज 10th क्लास में है। यूट्यूब चैनल मेरा बना है, मेरी मैडम का यूट्यूब चैनल है, उस सारे चैनल को वो वही हैंडल कर रहा है। वो सारी की सारी एजुकेशन कहां से ली, एडिट करना, अपलोड करना, प्रमोट करना, सारा कुछ वही कर रहा है, सिर्फ 9th क्लास का बच्चा।
बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ, ये सारी लर्निंग वहां से ली है। तो दोस्तों एक एनवायरमेंट का साथ पूरे प्रभाव में बन चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ, कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम आगे बढ़कर रहे, बस यही इंथुजियाज्म बढ़ता है इस ड्यू सॉफ में आकर। पैसा तो आएगा ही आएगा, जब आप काम करें पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में जो निखार आएगा वो कहीं और नहीं आ सकता। तो आप सबका स्वागत है इस डिजिटल वर्ल्ड में। तो आज मैं कह सकता हूं बहुत जबरदस्त जगह पे हम आ चुके हैं बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। कहते परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। महफिल में रहते हैं वो लोग खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मेरे दोस्त, हुनर बनाने वाला काम है ये ड्यू सॉफ्ट। तो माय डियर फ्रेंड, आपकी जिंदगी में भी, आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और जरूर आएगा, 100% श्योरिटी है कि वो आएगा ही आएगा, बशर्ते कि आप एक पॉजिटिव सोच रखें, आगे जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रखें, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में आ गया है। हम सब लोग लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज हमें रोक देती है, रोक देती है, जब आप खुद सोचते हो अगर ये नहीं चला तो, अगर ये नहीं चला तो, अगर मैं गिर गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, ये चीजें जब आपको रोक देती है। इसी वर्ड ने पता नहीं कितने साइंटिस्ट, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर को शुरुआत करने से पहले ही मार दिया, अगर ये ना चला तो, वो ना चला तो, ये हो गया, किंतु परंतु। और बता दूं आपको कि 99% लोग वो कर रहे हैं जो वो एक्चुअली करना नहीं चाहते, जो वो मजबूरी में कर रहे हैं। एक इंसान बनना तो चाहता है मैं छोटे बच्चों का टीचर बनूं, लेकिन वो गैराज में काम कर रहा है। एक कहता था कि मैं अच्छा पेंटर बनूं, लेकिन मम्मी पापा की जिद थी तुझे डॉक्टर बनना है। मजबूरी में मम्मी पापा ने कुछ उसको उस तरफ जाने नहीं दिया, संभालने जाने नहीं दिया। कुछ कहता है कि मैं एक बढ़िया सा लिखारी, एक राइटर बनूं, लेकिन समाज के तो राइटर की तो वैल्यू नहीं है, ये कुछ नहीं होता। ऐसे वो कर क्या रहा, वो बैंक मैनेजर बन के बैठ गया, एचआर में चला गया, आईटी प्रोफेशनल बन गया, लेकिन उसके मन में आज भी लालसा है कि काश मेरी हॉबी, मेरा पैशन था पेंटिंग करना, मेरी हॉबी थी कुकिंग करना, मेरी हॉबी थी, लेकिन कर कुछ हो रहा है क्योंकि तो मजबूरियां बड़ी, जो पेट लगा है ना आपके साथ इसको भरना है, परिवार चलाना है, मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, सिर्फ हार के डर से वो काम शुरू करता ही नहीं है, शुरू ही नहीं करता। जब वो डर जाता है, काश अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं डर गया, मैं हार गया, मैं गिर गया तो क्या। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक बात ध्यान में रखना, जो गिरेगा वही आगे बढ़ेगा, गिरेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर आप आज चल पा रहे हैं, मेरी बात सुनिए, अगर आप आज चल पा रहे हैं तो ये इस बात का पक्का प्रूफ है कि आप बचपन में कई बार गिरे हैं, तभी आज आप चल पा रहे हैं। आप बचपन में कई बार गिरे हैं, कई बार उठे हैं, कई बार गिरे हैं, कई जो चीज है कि आपको अपने उस मकान को अगर हासिल करना है तो गिरने से डरना नहीं, बिना गिरे आप आगे बढ़ नहीं सकते, बिना फेल हुए आप कामयाब हो नहीं सकते। तो फेल होने से डरना नहीं, हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना। आपने साइकिल जब चलानी सीखी तो कैसे सीखी, मुझे आप एक शख्स मुझे बता दीजिए जिसने साइकिल सीखी है और उसके घुटने 2-4-5 बार छिले नहीं है। एक भी शख्स नहीं मिलेगा जिसने साइकिल सीखी है उसने घुटने छिलवाए। और कई बार तो ऐसा हुआ है जब बचपन में थे, जब गिर गए घुटने भी छिल गए, साइकिल से गिर गए, हमने फटाफट किसने देखा तो नहीं चल गए। अगर देख लिया तो ये शिकायत मम्मी पापा को पहुंच जाएगी, वहां चांटे भी पड़ेंगे, साइकिल भी छूटनी पड़ेगी। तो हमने बताया ही नहीं किसी को, हमने किसी को बताया नहीं कि हम गिरे भी थे, बस ऐसे झड़ा, ऐसे मुंह साफ किया और चल पड़े आगे। तो माय डियर फ्रेंड, वो गिरे क्योंकि आपका टारगेट था साइकिल सीखना। तो ये बात पक्की है। एक बात और बता रहा हूं जो पक्की के पक्की है कि आप अगर यहां पे आए हुए हो,
अपने सभी जरूरी कामों को छोड़कर आप एंजॉय कर सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, मूवी देख सकते, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप यहां पे बैठे हैं तो ये बात एक पक्का प्रूफ है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये पक्का प्रूफ बन चुका है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहां पे बैठे तो आप वाकई जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, आप अपने परिवार के सभी सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। काश मुझे एक मौका मिले तो मैं ये कर दूं, मुझे एक मौका मिलता तो मैं ये कर देती। लेकिन आज वो मौका आपके पास आ चुका है मेरे दोस्त। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप इसको सीखिए और सीख कर काम कीजिए। तो मेरी गारंटी है कि जो भी आपने कभी सोचा था या आज आप सोच रहे हैं, आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। Yes, आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी वजह से लाखों जिंदगियां बदल चुकी हैं, लाखों की बदलती जा रही है। अभी आपने डिसाइड करना है कि आप किन में शामिल होना चाहते हैं। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त कि दिल में अगर दीवानगी है और रगों में अगर रवानगी है, क्या कुछ नहीं तुम कर सकते अगर सोच में मर्दानगी है। मेरे दोस्त, सोच को बड़ी रखो। प्लेटफॉर्म तो आज आपको अच्छा मिल गया, बस सोच अच्छी बड़ी रखिए, अच्छी रखिए, बड़ी रखिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रखिए। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा। दोस्तों एक छोटी सी बात बताऊं आप एक, कि जैसे 1960 की बात करें तब एक ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा था, हरी क्रांति आई थी। लोगों ने अपने उपजाऊ जमीनों को कहां से कहां बेनिफिट देने, तीन तीन चार चार फसलें एक साल में लेने शुरू कर दी थी। और कुछ लोग कहते ये नहीं चलता, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने वो रिस्क लिया, नया मोड़ लिया, तो कहां से कहां पहुंच गए। उसके बाद एक प्लास्टिक का जमाना आया, प्लास्टिक स्टार्ट हुआ था, तो लोग कहते नहीं प्लास्टिक बड़ा खराब चीज है, ये होता है। लेकिन जिन लोगों ने रिस्क लेकर प्लास्टिक काम स्टार्ट कर दिया, वो कहां से कहां पहुंच गए। ऑटोमोबाइल आया, उसके बाद ऑटोमोबाइल का जमाना आया, यहां से वहां जाना आसान हो गया। लेकिन स्कूटर लेना, गाड़ी लेना बड़ा मुश्किल था, लेकिन लोग लेते नहीं, साइकिल चलाओ। लेकिन जिन्होंने ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री लगाई, जिन्होंने एजेंसी ली, वो कहां से कहां पहुंच गए। और जो लोग देखते रह गए, जो कहते अगर ये एजेंसी ना चली तो, अगर कार ना चली तो, पेट्रोल ना मिला तो, वो जिन्होंने ये बातें सोची वो पीछे के पीछे, जिन्होंने एजेंसियां ले ली, जिन्होंने गाड़ियां ले ली, वो आगे बढ़ते। तो माय डियर फ्रेंड, लोगों ने बातें करते रहने, आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आया टेलीकम्युनिकेशन, आईटी इंडस्ट्री का जमाना, कंप्यूटर का जमाना आया। तो मेरे दोस्त, लोगों ने कहा ये तो गलत बात है, इससे तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर की वजह से कितना कुछ बदल गया, कितना आसान हो गया। आज हम आप लोग यहाँ बैठे तो जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन। तो मेरे दोस्त, उसका फेसबुक ने बहुत लोगों को इकट्ठा जोड़ा। फेसबुक का लेटेस्ट जो वर्जन है वो मेटावर्स है। मेटावर्स आज के आगे जाने वाला है। उसके बाद अब जो चल रहा है वो आज का जमाना जो है, ऐसे डे बाय डे जमाना चेंज होता जा रहा है। जो आज का जमाना है सॉफ्ट स्किल्स का जमाना है, MLM का जमाना है, नेटवर्किंग का जमाना है। आज वो इंडस्ट्री लग चुकी है। पहले लोग MLM को कुछ समझते थे, लेकिन आज ये प्रूव हो चुका है कि दुनिया में हर पांचवा शख्स जो आगे बढ़ रहा है वो MLM इंडस्ट्री से आगे बढ़ रहा है। और हम बहुत लकी हैं कि हम इस ग्रेट प्रोफेशन में आ चुके हैं। आज की बात करें, आज लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल पाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। लोग उसी जगह से प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, लोग उसी जगह से सर्विस लेना पसंद करते हैं जिसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो। और माय डियर फ्रेंड, आज मैं बड़े गर्व के साथ आपको कह सकता हूं, बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि आप जरा उन लोगों से मिलकर देखें जो हमारे इस ग्रेट प्रोजेक्ट में सिर्फ 2-3 महीनों से हैं। मैं तो सालों से हूं, 20 साल से 22 साल से, जो सिर्फ 2-3 महीने पहले सिस्टम में आए हैं, इस प्रोजेक्ट को सीखा है उन्होंने। जरा आप उनसे 2-4-5-10 मिनट बात करके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे उनका कम्युनिकेशन स्किल देखकर, आप हैरान हो जाएंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर। तो मेरे दोस्त, वो जो सॉफ्ट स्किल के लोग लाखों रुपए खर्च करके, सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है, स्किल नहीं मिलती। लेकिन यहां पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, स्किल मिलेगी और जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। ये है बढ़िया चीज। अगर मैं इनकम की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में आकर लोग हजारों नहीं,
लाखों रुपए कमा चुके हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आपके पास मौका है, अपनी पॉकेट को जितना भरना चाहे भर सकते हैं इस प्रोफेशन में आकर। अगर आप चाहें, अगर आप चाहें 50,000 रुपए भी लिए आएंगे, अगर आप चाहें तो लाख रुपए हफ्ते का आएगा, अगर आप चाहें तो 2 लाख आएगा, 4 लाख आएगा, 5 लाख आएगा, कोई लिमिट थोड़ी है, ज्यादा आएगा लेकर चलो। आप जो चाहें जितना चाहें आप यहां से ले सकते हैं मेरे दोस्त, बशर्ते कि आप काम करें, सीखे और आगे काम करें। तो यही यार बहुत बढ़िया चीज है, इस स्टडी से लोग आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्मल स्टडी जो चल रही है वो तो चलती जाएगी, साइंस के थीटा इक्वल टू 1, 2+2+4, रंजीत सिंह ने क्या, वो उस स्टडी से हमें प्रैक्टिकल बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन तो यहां आकर आपकी लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट होने का एक शानदार मौका मिलता है, तो आप उसका प्रॉपर वैसे बेनिफिट ले सकते हैं। एक बढ़िया बात है, जॉब करके बंदा कितना कमा सकता है? आज तक आपने कितने जॉब वालों को देखा है जो करोड़पति बन गए, कोई मिला? आगे भी चांस कम है, लेकिन इस सिस्टम की वजह से चंद सालों में लाइन लगी है करोड़पतियों की, लाइन लगी है। आप जरा ध्यान से इस चीज को समझिए, और वही मौका आज आपके पास मिला है, आपके पास मौका आज आया है, आप इसका प्रॉपर वे से बेनिफिट। मैं इस सेशन में जो हमारे गेस्ट आए हैं, जो पहली बार इसको देख रहे हैं, मैं उनसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा कि क्या कभी आप नेटवर्किंग में आए हैं? जनरली जवाब यही होगा कि नहीं, ये नहीं, ये वो नहीं, इस कारण उस कारण। मैं आप सबको बताऊंगा कि आप ऑलरेडी बहुत सारी नेटवर्किंग में हैं, ऑलरेडी मेरे दोस्त, आप दूध वाले के नेटवर्क में हैं, आप डॉक्टर के नेटवर्क में हैं, आप किराना वाले के नेटवर्क में हैं, आप वकील के नेटवर्क में हैं, आप धोबी के नेटवर्क में हैं, आप एक प्लंबर के नेटवर्क में हैं, आप नेटवर्क में तो हैं, लेकिन जरा सोचिए कि आपके नेटवर्क में कौन है, आपके नेटवर्क में कौन है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, जरा ध्यान से सोचिएगा आपके नेटवर्क में कौन है। मैं बताता हूं, आप सबके नेटवर्क में तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे दोस्त, की टू सक्सेस दैट इज द नेटवर्क, की टू सक्सेस दैट इज द नेटवर्क। एक दूध वाला भी उतना पैसा कमाएगा जितना उसका घरों का नेटवर्क है, एक किराने वाला उतना पैसा कमाएगा जितना उसका क्लाइंट्स का नेटवर्क है, एक वकील उतना पैसा कमाएगा जितना उसका क्लाइंट्स का नेटवर्क है। की टू सक्सेस दैट इज द नेटवर्क, ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है मेरे दोस्त, आपके नेटवर्क में कौन है, द पॉइंट इज दिस। अगर नहीं है तो आज आपको मौका मिला है अपना नेटवर्क स्टार्ट करने का। देखिए, दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, जितनी बड़ी कंपनी है, चाहे वो बिल गेट है, वो इसलिए अमीर है क्योंकि उसका नेटवर्क है, चाहे मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक का मालिक, वो इसलिए अमीर है कि उसका नेटवर्क है, एलन मस्क अमीर है, सीजेड बाइनांस अमीर है, आपको तो इसका नाम ही नहीं पता होगा। 8 साल पहले एक बर्गर बेचने वाला इंसान आज एशिया का सबसे अमीर बंदा बन चुका है, सीजेड बाइनांस। तो मेरे दोस्त, आपको पता ही नहीं, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि उसके पास नेटवर्क है। टाटा बिरला अंबानी सब लोग क्यों अमीर हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास नेटवर्क है। आपका नेटवर्क कहाँ है? द पॉइंट इज अगेन एंड अगेन, आपके नेटवर्क में कौन है मेरे दोस्त? अगर आज तक नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये मौका आपको मिल गया है, आप अपने नेटवर्क आज स्टार्ट कर सकते हैं। एक डॉक्टर का काम कैसे चलता है? एक डॉक्टर सोच रहा है कि दुनिया बीमार पड़े, लोग बीमार पड़े तो डॉक्टर का काम चलेगा। एक वकील क्या सोचता है कि लोग आपस में झगड़ा करें तो वकील का काम चलेगा। एक लीकर का बिजनेसमैन, शराबी जो ठेकेदार है, उसका काम कैसे चलेगा जब लोग शराबी बने, शराब पिए, गलत काम जाए। पॉलिटिशियन, हमारे टॉप क्लास के पॉलिटिशियन जो हैं, इनका काम कैसे जब लोग झल्ले हो जाएं, अनपढ़ हो जाए, गवार जैसी बातें करें और पॉलिटिशियन अपना काम निकालें।
मतलब यह है कि दूसरों का बेड़ा गर्क करके दूसरों लोगों का काम चलता है, लेकिन मेरे दोस्त एक सच्चे नेटवर्कर का काम कब चलता है, एक सच्चे ड्यू सॉफ्टवेयर का काम कब चलता है? जब वो दूसरों को प्रमोट करे, जब वो दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दे, जब दूसरों की इनकम में इजाफा करें, जब दूसरों के परेशानी को अपनी परेशानी समझे, दूसरों की परेशानियां दूर करे। अगर दूसरों को कामयाब करने में कोई हेल्प करता है तो वो सच्चा नेटवर्कर होता है। तो मैं चाहूंगा सब लोग अपने लिए, जो नेटवर्कर हैं, नेटवर्किंग में आ चुके हैं, अपने लिए जबरदस्त क्लैप की जाए कि हम एक सच्चे नेटवर्कर हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक नेटवर्कर ही है जो हमेशा आपका, दूसरों का, अपने परिवार का, अपने समाज का सही सोचता है। वॉरेन बफेट बहुत जबरदस्त इन्वेस्टर हैं, वो बहुत दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर हैं, वर्ल्ड के टॉप 5% में आ रहे हैं। उनका क्या कहना है, बड़ी शानदार बात कही उन्होंने, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, कि अगर आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है पैसे कमाने का, जब आप सो रहे हैं तब भी पैसे आए। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू हैव टू वर्क अंटिल यू डाई, कि अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं, कोई जरिया नहीं है कि जब आप सो रहे हैं तब भी पैसे कमाएं, तो मेरे दोस्त आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप मर नहीं जाते। सो माय डियर फ्रेंड, जस्ट मेक योर पैसिव इनकम पैसिव, जब आप काम करें पैसा आए, लेकिन जब आप काम ना भी करें पैसा तब भी आए, मजा तो तब है। बिल गेट से किसी ने पूछा कि सर आपकी कामयाबी का राज क्या है, कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो बिल गेट का जवाब था, मेरी कामयाबी का राज सिर्फ एक ही है कि मैं राइट बिजनेस में राइट टाइम पर होता हूं, मैं राइट बिजनेस में राइट टाइम पर होता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, ये ड्यूस ऑफ एक राइट बिजनेस है, ये नेटवर्किंग एक राइट बिजनेस है, आज आपको मिल चुका है, और ये आपके लिए बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है कि ये जो आपको एक राइट बिजनेस मिल गया है और यही आपका राइट टाइम है इसको स्टार्ट करने का, इसको सीखने का और इसको और आगे लेकर जाने का। बहुत अच्छी बात है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है, अच्छा बिजनेस, अच्छा टाइम, बस सोच अच्छी बनाकर इसमें लग जाइए और तूफान मचा दीजिए, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जस्ट टेक द नॉलेज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग कहते द 8th वंडर इज कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग की पावर समझिए, देन इट विल चेंज योर एंटायर लाइफ। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, हम यहां पे आकर जो भी सक्सेस सिस्टम में आता है उसको 3 स्टेप के साथ लेकर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर, हम सबको प्रिपेयर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। लोगों का फ्राईपन छोटा है, लोगों की सोच छोटी है, लेकिन सोच बढ़ाते हैं साथ में रहकर। जब आप अच्छे लोगों के साथ संगत करेंगे तो आपको रंगत चढ़ेगी ही चढ़ेगी। तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टार्ट करता है, सबसे पहले उसकी प्रेपरेशन होती है कि क्या वो बड़ा लेवल अचीव कर सकता है। अगर आज नहीं कर सकता तो उसको स्टेप बताते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जब वो सीखता है तो फिर उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, चल लोगों से मिल, चल बात कर, चल आगे बढ़, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग कर। पहले प्रिपेयर करता है अपने आप को, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है फिर आती है उसकी परफॉर्मेंस। ये 3 चीजें स्टेप्स हैं, पहले हम प्रिपेयर करेंगे, सबको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस होगी। तो बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आप जब आगे बढ़ जाएंगे तो आप बहुत ही बड़े बड़े बेनिफिट आप ले सकते हैं। कि मैं थैंक्स करने जा रहा हूं अपने उस परमात्मा का जिसने ये जिंदगी बख्शी, थैंक्स करना चाहूंगा अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे वापस दुनिया में लाए, थैंक्स करना चाहूंगा ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर ऋषि सहदेव ने, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म इजाद की, लाखों लोगों को एक सही ट्रैक दिया आगे बढ़ने के लिए। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर अनुराग अवस्थी का जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस सिस्टम में जगह जगह पे हर स्टेप पे हम सब की, सिर्फ मेरी नहीं पूरी ड्यूस ऑफ की हेल्प की। और थैंक्स करना चाहूंगा मेरी फूलों जैसी टीम जिनमें एक से बढ़कर एक धुरंधर है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। स्पेशली ग्रेट चैंपियन मिस्टर बी एस लुबाना जी, मिस्टर नारिकोर जी, रविचंदन जी, हरिकृष्ण, तमिलनाडु के पूरे बड़े जबरदस्त जबरदस्त शेर हैं जो आज
खुद ही करोड़पति बन चुके हैं और दूसरों को करोड़पति बनाते जा रहे हैं। शक्ति जी हैं, मिस्टर दजीत सिंह जी, मिस्टर हरदीप सिंह, गगन जी, सतनाम जी, आज बड़े शानदार दिन है। आज मैं बड़ा खुश हूँ, एक और एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट हुई है हमारी टीम में। आज दो हमारे हीरे मिस्टर गगनदीप सिंह एंड मिस्टर सतनाम सिंह, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से कैप अचीव की है। कैप का मतलब है 1,92,000 रुपया इन ए सिंगल वीक। मैं जबरदस्त क्लैप चाहूंगा ऐसे, और जबरदस्त क्लैप उनकी सारी की सारी टीम के लिए, उनकी ग्रेट अप्लायंस के लिए। मिस्टर जॉर्ज साहब जो हमारी इस मीटिंग में आए हुए हैं, डायरेक्टर हैं बड़े लेवल के, बड़े आईएएस अफसर, बड़े आईपीएस अफसर, बड़े बड़े तगड़े बिजनेसमैन। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर जसवीर सिंह जी का, मनदीप कौर का, और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपनी लवली वाइफ का, जिन्हें हर स्टेप के ऊपर मेरा साथ दिया। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर राजू जी का, मिस्टर डॉक्टर चिकारा जी का, हरेंद्र जी, टीम बंगा, टीम यूपी, टीम तमिलनाडु, टीम स्पेन, टीम पंजाब, टीम कनाडा, टीम लेबनान, टीम जोश ट्राई सिटी, पता नहीं जिन जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा, फील करने की बड़ी सख्त जरूरत है। जो रह गया बाद में मुझे बात कर लेना मेरे दोस्त। तो मैं थैंक्स करना चाहूँ अपने खास दोस्त मिस्टर जेके वर्मा जी का, संजय चौधरी जी का, जिन्होंने हर जगह पे एक दूसरे का साथ दिया, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और मेरे दोस्त, थैंक्स आप कीजिए जो आज हमारे गेस्ट हैं, उस शख्स का जिसने आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया है, क्योंकि वो चाहता है कि आप भी अपनी लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल करें। वो चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी से बाहर निकलकर आप अपनी जिंदगी को एंजॉयमेंट की तरफ लेकर जाइए। दोस्तों, आप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन आपका एक दिन का लिया हुआ डिसीजन आपको करोड़पति बनने के कगार में खड़ा जरूर कर सकता है। अगर आप जिंदगी में वो सारी सारी सुख सुविधा पाना चाहते हैं जिससे आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम हो। अक्सर क्या होता है, लोग कब पैदा हुए, कब आए, कब कुछ किया नहीं, कब चले गए, किसका पता नहीं चलता। लेकिन आपका नाम ता उम्र तक लोग लेते रहे कि एक शख्स था जिन्होंने ये किया, जिसने ड्यूस ऑफ की, जिसने आगे बढ़े, तो ये एक ऐसा प्रोफेशन जो आपको आगे लेकर जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने खुद के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किसी और के नाम का सहारा ना लेना पड़े, आपके बच्चे ये कहें कि अगर मैं बनना चाहूंगा तो पापा आपके जैसा, मैं बनना चाहूंगा तो मम्मा आपके जैसी, अगर ये चाहते हैं कि आपके बच्चे के रियल हीरो आप बने, तो ये कैसा प्रोफेशन है जो आपको मौका देता है आगे बढ़ने। अगर आप जिंदगी के, अपनी जिंदगी के खुद मालिक बनना चाहते हैं, तो ये कैसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका देता है मालिक बनने का, नौकर बनने का नहीं, मालिक बनने का मौका देता है। बी ए एंटरप्रेन्योर, वी क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। तो ये कैसा प्लेटफॉर्म है, जब आप इसको सीखेंगे और सीखे हुए को काम में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे दोस्त, आइए एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें अपनी खुशियों से ज्यादा समाज की खुशियां पहले हो। एक ऐसा मुकाम बनाएं जिसको अक्सर लोग दुकारते हैं, ये हो नहीं सकता या आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे आकर आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप जिंदगी का हर मुकाम हासिल कर सकते हैं, आप मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। और एक बात पक्की हो चुकी है, अगर एक काम जो मुश्किल से मुश्किल काम है, अगर दुनिया में किसी ने, एक शख्स ने उस मुश्किल से मुश्किल काम को किया हुआ है, तो उस हरेक मुश्किल काम को आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, आप कर सकते हैं, और मैं भी कर सकता हूं। और यहां पे जो काम करना है उसकी एग्जाम्पल एक नहीं है, लाखों एग्जाम्पल आपके पास हैं, सामने बैठी हैं, सामने खड़ी हैं, कि यहां पे आकर लोगों ने कितने कितने तगड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं। उन्हीं पद चिन्हों के ऊपर आपने चलना है, कोई नया रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, रास्ता बन चुका है, अब आपको दौड़ना है और आप अपने आप को कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं, एक अच्छा समाज बना सकते हैं, अपने देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं, अपने समाज को कहां से कहां लेकर जा सकते हैं। मेरे दोस्त, यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है,
यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल मेरे दोस्त, अपने पंखों को खोल, अपनी स्किल को बढ़ा, जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके साथ टाइम मैच करके। थैंक यू, ग्रेट न्यूज़ ऑफ।